सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे BCC बोर्ड के तरफ से एक और नोटिस आया है। BCC बोर्ड में जो भी काम करने वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहले तो नोटिस आया था आपका कल के डेट में यानी 3 अगस्त को, जिसमें दिया गया था कि 4 एग्ज़ाम सेंटर है उसका टेक्निकल रीज़न के कारण से एग्ज़ाम जो है कैंसिल किया जा रहा है, और आपका जो है 17 अगस्त के बाद आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वो नोटिस आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। डेफिनेटली मैंने उसके बारे में आपको अपडेट भी दिया है। अभी कुछ देर पहले, मान कर चलो कि आधा एक घंटा पहले, आपका अगेन एक नोटिस जो है BCC बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है लेटेस्ट अपडेट में, कि इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम 4 अगस्त 2023, यानी आज जिसका भी एग्ज़ाम था उसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। चाहे वो ASO का हो, अमीन का हो, कानूनगो का हो या क्लर्क का हो, सभी का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। ये यहाँ पे जो है नोटिस दिया जा रहा है। चलिए डिटेल नोटिस जो है हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं कि उसमें क्या अपडेट दिया गया है और आखिर एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और क्या 5 अगस्त को जिसका एग्ज़ाम है क्या उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, वो भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं इस नोटिस के अनुसार। तो इस नोटिस में आप देखेंगे तो आपका साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि 3 तारीख को जो नोटिस दिया गया था, है ना, 3 तारीख को जो नोटिस दिया गया था उसी के क्रम में यहाँ पे अभ्यर्थियों को सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि उक्त पदों का नियोजन हेतु ऑनलाइन बेस्ड परीक्षा यानी CBT परीक्षा जो पटना के डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग सेंटर में आपका 4 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजित की जाती है, परंतु दिनांक 4 अगस्त के सभी परीक्षाएं जो है आपका कैंसिल कर दिया गया है। जितनी भी 2 पालियां में एग्ज़ाम होने वाली थी सभी को, और रीज़न क्या दिया गया है कि टेक्निकल रीज़न यहाँ पे जो है बताया गया है। तो जब से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जब BCC बोर्ड के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जब वे लोग एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड 3 दिन पहले के लिए खूब स्ट्रिक्टनेस को पालन किए, तो फिर ये चीज़ टेक्निकल इशूज़ जो है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई दंगा हो गया और आपका जो है नेटवर्क बंद कर दिया गया है ना। वैसा तो कोई कंडीशन जनरेट हुआ नहीं है, अगर होता तो एक ऑप्शन रहता, लेकिन जब सेंटर चूज किया जाता है तो उसको अच्छे से उसको देखिए ना कि वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, पहले का उसका स्थिति क्या है। इसी तरीके का BCC बोर्ड एग्ज़ाम आपका सिटी मैनेजर का कंडक्ट करवाया था, उसमें भी जो दानापुर में एक सेंटर था उसमें भी आपका टेक्निकल रीज़न हुआ था जिसके कारण से उसको कैंसिल किया गया था। तो कई बार BCC बोर्ड की तरफ से इस तरीके के नोटिस जो है जारी किया गया है। खैर, अब जिनका एग्ज़ाम था वे लोग थोड़ा सैड तो होंगे, प्लस जो लोग चले गए हैं उनको दिक्कतें भी हुई होंगी आने जाने में। बोर्ड को तो कुछ मतलब है नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस जब मन किया उठे, रात को 10 बजे नोटिस दे दिए, तो कभी दिन में 12 बजे नोटिस दे दिए, कब जब मन किया जब नोटिस जो है नोटिस बोर्ड पे डाल दिए। बस जो बच्चा है वो अपना देखेगा, नहीं देखेगा तो जाएगा अपना एग्ज़ाम देने, पता चलेगा कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है फिर वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि 5 अगस्त से 17 अगस्त का जो एग्ज़ाम है वो आपका एज यूजुअल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो 4 अगस्त का एग्ज़ाम होने वाला है उसका दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जिनका 4 अगस्त का एग्ज़ाम था और उनका जो कैंसिल हुआ, उनको मैसेज के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, है ना, ईमेल के थ्रू उनको जो है अपडेट दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम कब होगा भाई, तो ऑब्वियसली जिनका 4 सेंटर पे जिनका एग्ज़ाम है उनका कैंसिल हुआ तो उनका एग्ज़ाम जो है 17 अगस्त के बाद होने वाला है। तो ऑब्वियसली जिनका 4 अगस्त को कैंसिल हुआ यानी आज का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उनका भी कब होगा, तो उनका भी एग्ज़ाम जो है 17 अगस्त के बाद होगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों का साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।